Hey guys, my name is Mihir and welcome to Easy Notes. आज हम इस वीडियो के अंदर चार्ली पुथ का अटेंशन सॉन्ग है उसके गिटार के कॉर्ड सीखने वाले हैं। सो विदाउट वेस्टिंग आवर टाइम, लेट्स गेट स्टार्टेड। तो ये सॉन्ग के अंदर जो चार कॉर्ड यूज हो रहे हैं, सबसे पहला कॉर्ड है ए माइनर कॉर्ड, जी मेजर कॉर्ड, देन ई माइनर कॉर्ड, देन एफ मेजर कॉर्ड। अगर आपको ये चारों कॉर्ड्स आते हैं तो आप डिस्प्ले में दिखाए गए टाइम पे जाके डायरेक्ट स्ट्रमिंग बटन सीख सकते हो। अगर आपको ये कॉर्ड्स नहीं आते तो चलो सबसे पहले मैं आपको ये कॉर्ड सिखा देता हूँ। तो इस सॉन्ग का जो सबसे पहला कॉर्ड है वो है ए माइनर कॉर्ड। ए माइनर कॉर्ड आपको डिस्प्ले के अंदर दिख रहा है। इसके लिए आपको सिंपली फर्स्ट फिंगर यहाँ पर रखनी है, सेकेंड स्ट्रिंग फर्स्ट टैप पर, सेकेंड फिंगर आपको रखनी है, फोर्थ स्ट्रिंग सेकेंड टैप पर, थर्ड फिंगर आपको रखनी है थर्ड स्ट्रिंग सेकेंड टैप पर। तो फर्स्ट फिंगर यहाँ, सेकेंड फिंगर एंड थर्ड फिंगर। इसके अंदर आपको सिक्स स्ट्रिंग नहीं बजानी, उसके अलावा सभी स्ट्रिंग बजेगी। ये हमारा ए माइनर कॉर्ड है। इस सॉन्ग का जो दूसरा कॉर्ड है वो है जी मेजर कॉर्ड। जी मेजर कॉर्ड के अंदर आपको थर्ड फिंगर को रखना है फर्स्ट स्ट्रिंग थर्ड टैप पर, सेकंड फिंगर को रखना है सिक्स स्ट्रिंग थर्ड टैप पर, एंड फर्स्ट फिंगर को रखना है फिफ्थ स्ट्रिंग सेकंड टैप पर। डिस्प्ले में भी आप देख सकते हो। तो यहाँ पे थर्ड फिंगर, सेकंड फिंगर एंड फर्स्ट फिंगर, इसमें छः के छः स्ट्रिंग बजेगी। ये हमारा जी मेजर कॉर्ड है। इस सॉन्ग का जो थर्ड नंबर का कॉर्ड है वो है ई माइनर कॉर्ड। ई माइनर कॉर्ड बहुत ही इजी कॉर्ड है। इसके अंदर आपको फर्स्ट फिंगर को रखना है फिफ्थ स्ट्रिंग सेकंड टैप एंड सेकंड फिंगर को रखना है फोर्थ स्ट्रिंग सेकंड टैप। ये सिर्फ ऐसे रख के आपको बजाना है 6 5 4 3 2 1 सभी के सभी स्ट्रिंग्स। ये हमारा ई माइनर कॉर्ड है। इस सॉन्ग का जो आखिरी कॉर्ड है वो है एफ मेजर कॉर्ड। एफ मेजर कॉर्ड एक बार कॉर्ड है। इसके अंदर आपको फर्स्ट फिंगर को फर्स्ट फ्रेट पर क्लोज करना है बार के अंदर। देन आपकी सेकंड फिंगर है वो रहेगी थर्ड स्ट्रिंग सेकंड टैप पर, थर्ड फिंगर आएगी फिफ्थ स्ट्रिंग थर्ड टैप पर, और फोर्थ फिंगर आपकी आएगी फोर्थ स्ट्रिंग के अंदर थर्ड टैप पर। तो फर्स्ट फिंगर यहाँ पे बार क्लोज होगा, सेकंड फिंगर थर्ड फिंगर एंड फोर्थ फिंगर आपको ऐसे रखना है, इसको बजाना है। ये हमारा एफ मेजर कॉर्ड है। तो हम चलते हैं स्ट्रमिंग पैटर्न की तरफ। स्ट्रमिंग पैटर्न बहुत ईजी है। इसके अंदर स्ट्रमिंग पैटर्न जो है वो है डाउन डाउन अप डाउन अप डाउन अप डाउन अप। ये स्ट्रमिंग पैटर्न है। तो उसके अंदर सबसे पहले डाउन स्ट्रोक दो बार बजेगा, डाउन डाउन, देन एक पॉज आएगा, उसके बाद अप डाउन वो साथ में बजेगा, यू डी जो दिख रहा है वो। उसके बाद एक पॉज आएगा, देन फिर से अप डाउन यू। तो पहले डाउन डाउन, देन अप डाउन देन अप डाउन अप डाउन अप डाउन अप डाउन अप डाउन डाउन अप डाउन अप डाउन अप डाउन अप डाउन डाउन अप डाउन अप डाउन अप डाउन अप। ये हमारा स्ट्रिंग पैटर्न है। तो वो सॉन्ग के अंदर थोड़ा स्पीड में बजती है। तो वो स्पीड में कैसे बजेगी वो देखते हैं हम। डाउन डाउन अप डाउन 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 अप डाउन डाउन अप डाउन 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 अप डाउन डाउन अप डाउन 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 अप डाउन डाउन अप डाउन अप। अब ये सॉन्ग के अंदर आपको जरूरत पड़ेगी कैपो की। आपको कैपो रखना है सेकेंड नंबर की फ्रेट पर, जो मेरा स्केल है। तो आपको ये यहाँ पर रखना है। आपका अगर स्केल हाई है तो आप थर्ड फोर्थ फिफ्थ सिक्स। ओरिजिनल सॉन्ग के अंदर सिक्स फ्रेट पर कैपो रखने के बाद बजाना है। जो ओरिजिनल चार्ली पुथ ने गाया है वो आप उसको उसी स्केल में गाना चाहते हैं तो सिक्स फ्रेट पर रख सकते हैं, जो मेरे लिए बहुत ही हाई है, इस वजह से मैं सेकंड पर रख रहा हूँ। अगर आपको कैपो सेकंड पर रखने के बाद भी आपको हाई स्केल लग रहा है तो उसको लो करने के लिए आप फर्स्ट पर कैपो रख सकते हो, या कैपो हटा के भी सेम कॉर्ड्स के साथ और सेम स्ट्रिंग पैटर्न के साथ बजा सकते हो। मैं फिलहाल सेकंड पर रख रहा हूँ क्योंकि मेरा स्केल वो है। अगर आपका स्केल हाई है तो आप आगे बजा सकते हो। इसके अंदर हमारा ए माइनर कॉर्ड हो जाएगा यहाँ पर, देन जी मेजर कॉर्ड हो जाएगा यहाँ पे, उसके बाद ई माइनर कॉर्ड हो जाएगा यहाँ पर, एंड देन एफ मेजर कॉर्ड हो जाएगा यहाँ पे। और अगर आप सिक्स पर कैपो रखते हो जैसे ओरिजिनल चार्ली पुथ ने गाया है उसके अंदर, तो आपका ए माइनर हो जाएगा यहाँ पे, देन जी मेजर हो जाएगा यहाँ पे, देन ई माइनर हो जाएगा यहाँ पर, एफ मेजर हो जाएगा यहाँ पे। तो हम अब देखते हैं कि हमारे कॉर्ड स्ट्रमिंग पैटर्न के साथ कैसे साउंड करते हैं। तो सबसे पहले ए माइनर, देन जी मेजर, देन ई माइनर, मैं आपको दोनों वर्जन दिखाऊंगा। जो मेरा ओरिजिनल स्केल है उसके साथ में गाऊंगा वो भी, और चार्ली पुथ का जो हाई स्केल है जिसके अंदर मेरी आवाज़ शायद से अच्छी ना आए तो उसको प्लीज़ इग्नोर कीजिएगा, मगर वो स्केल के अंदर भी कैसे बजेगा वो भी मैं आपको यहाँ पे दिखाता हूँ पहले, उसके बाद मेरे ओरिजिनल स्केल के साथ हम सॉन्ग के अंदर जाते हैं। So that's it for today guys। अगर आपको ये वीडियो पसंद आया तो प्लीज़ वीडियो को लाइक जरूर कीजिएगा, और अभी तक आपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलिएगा, प्लीज़ प्रेस द बेल आइकन ताकि आपको हर एक नोटिफिकेशंस मिलते रहे। अगर आपको कोई भी क्वेरी गिटार या यूकेलेले के बारे में तो आप मुझे कॉमेंट सेक्शन के अंदर #easynotes लिख सकते हो, या आप इंस्टाग्राम के अंदर DM भी कर सकते हो जिसकी लिंक आपको नीचे डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगी। तो चलिए मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक टेक केयर, स्टे सेफ, बाय बाय।